हेलो फ्रेंड्स, एबीसी में आपका स्वागत है और आज हम टॉपिक देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो ये एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो हम नोट कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो जब भी हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं, जब भी हम बाइनरी टू ऑक्टल का कन्वर्जन करते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस है। जैसे जब भी हम बाइनरी का कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पर हर बार तीन के ग्रुप लेने हैं, तीन के ग्रुप यहाँ पर हमें लेने हैं। तीन के ग्रुप किसके लेने हैं? बाइनरी के ग्रुप लेने हैं। अब तीन के ही ग्रुप क्यों लेने हैं? क्योंकि आगे चल के कुछ चार के ग्रुप रहेंगे, कुछ तीन के ग्रुप रहेंगे। तो यहाँ पे हमें किस तरह से याद रखना है, तो हमें पता है ये बाइनरी को डिनोट करता है और इसके तीन के ग्रुप लेने हैं। जब 2 का पावर 3 आ जाएगा तो ये 8 आ जाएगा और 8 जो है ये ऑक्टल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हमें इजीली पता रख सकते हैं कि जब ऑक्टल आएगा, मतलब बाइनरी दिया है और ऑक्टल की वैल्यू निकालना है, तो उस समय हम बाइनरी के तीन के वैल्यू लेंगे। जैसे एग्जांपल अभी हम हमारे यहाँ पे है 10101, तो हमें जो ग्रुप लेने हैं वो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो यहाँ से हमें तीन तीन के ग्रुप इस तरह से लेने हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है, ठीक है। तो इसका एक टेबल ही हम बना लेते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए। तो तीन के ग्रुप का टेबल तो हम कैसे लेंगे? सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 8 आएंगे, 16, ये सीरीज थी हमारी, हमने देखा था। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? अभी ये टेबल बनाना है, ये 0 के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 है तो 4 बार 0 और 4 बार 1, ये टेबल बनाने की एक मेथड है। मैं आपको एक मेन टेबल बना के दिखा दूंगा। एक 2 है तो 2 बार 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। अब 1 है तो पहला 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1, ये वैल्यू हमारी बन गई। मतलब 7 की वैल्यू ये रहेगी, 6 की ये रहेगी, 5 की ये रहेगी। इस तरह से हमने इसका टेबल बना लिया, ठीक है। अब हम कंडीशंस देख ली है और मेन बात ये कंडीशन नंबर 2 और ये 3 थी। कैसे? पहले 3 के ग्रुप लेंगे, बाद में लेफ्ट और राइट, तो राइट से ग्रुप बनाते हुए चलेंगे। और जिसके बाद में ये टेबल तो बनाया तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चल जाएगा, लेकिन ये 2 कंडीशन मेन है। अब हम ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारी ऑक्टल की वैल्यू कितनी आएगी। ये जिसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे, सबसे पहले 3 के ग्रुप लेने हैं, तो 3 3 के ग्रुप तो लेने हैं, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ से स्टार्ट करना कि यहाँ से स्टार्ट करना? तो ये हमारा लेफ्ट, ये राइट, तो राइट से लेफ्ट की तरफ ये कंडीशन थी हमारी। तो यहाँ से ग्रुप लेंगे, ये 3 का और ये 3। अब हमें देखना है 101 कहाँ पर आता है, 101 कहाँ पर आएगा, 101। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 5। अब देखना है 010 010, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2। मतलब इसका जो कन्वर्जन था 10101, ये जो बाइनरी थी इसका हमारा ऑक्टल वैल्यू आया 25 ये 8। अब ये आंसर एग्जैक्ट है क्या, ये हम देख लेते हैं। कैलसीफ पे चेक करेंगे, हमने देखा था कैलसीफ किस तरह से चेक करेंगे, मोर 2 बार बेस। अभी बाइनरी वैल्यू हम पुट करेंगे, बाइनरी वैल्यू थी हमारी 10101 और इसका ऑक्टल वैल्यू जो है वो है 25। मतलब हमारा जो आंसर है ये राइट है। उसके बाद में एग्जांपल दूसरा देखते हैं। अब एग्जांपल दूसरे एग्जांपल में क्वेश्चन बोला है 10101010, ये हो गया बाइनरी और इसका ऑक्टल हमें निकालना है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे 1010 ये लिख लिया। अब इसके 3 3 के ग्रुप लेने हैं, ग्रुप कैसे लेने हैं? राइट से लेते हुए लेफ्ट तक जाना है। तो यहाँ से ग्रुप लेंगे 3 3 के, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 है। तो ये टेबल में क्या है देखते हैं, 010010, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 101101 यहाँ पे 5 आएगा और ये यहाँ पे सेम है, मतलब ये भी 2 आ जाएगा। मतलब जिसका आंसर हो गया हमारा 252,
ये हो गया आंसर। अब हमारे पास टेबल नहीं है, तो बिना टेबल से अगर हमें सॉल्व करना है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। बिना टेबल के अगर सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करेंगे